कहां देखा कि मैंने सपने में, मैंने सपने में श्याम को देखो है। सुने पंडित जी बोली है रुकड़ी पंडित जी सुनो, मैंने सपने पंडित जी ने कहा तुमने चिट्ठी पढ़वा दी। जवाब दिया पंडित जी हमारी चिट्ठी ले जाने वाला कौन है? पंडित जी अब आप ही एक काम कर दो, हमारी चिट्ठी हमारे कन्हैया तक पहुंचा दो। जवाब दिया लाड़ो यहाँ से 750 कोस दौर का है, हम पर बुढ़ापा है चला नहीं जाता है, भला मैं कैसे लेके जाऊंगा, मैं नहीं जा पाऊंगा। रुकड़ी रोने लगी, जहां रुक्मिणी रोई है पंडित जी को दया आ गई, कहा बेटी चिट्ठी लिखो। रुक्मिणी ने चिट्ठी लिखी है, काफी देर हो गई माताओं, भगवान कन्हैया के लिए चिट्ठी लिखी है, अंत में मोहर लगा दी तुम्हारे चरणों की चेरी रुक्मिणी। पंडित जी को पकड़ा दी, पंडित जी चिट्ठी लेकर के आगे बढ़े। धीरे 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 पंडित जी चलते जा रहे हैं, भारी गर्मी पड़ रही है, भारी धूप पड़ रही है। पंडित जी ने देखा द्वारका बहुत दूर है, हम पर बुढ़ापा है चला नहीं जाता है, रुक्मिणी के चक्कर में हम नहीं मर जाएंगे। पंडित जी ने क्या देखा, एक बगिया की शोभा बड़ी सुंदर है। पंडित जी मन में विचार करने लगे, कह तू फेरी बिलमाए दुखारी बिलमाले, जाई बगिया में दुखारी बिलमाले।
और मिंटू नंगला मांझी की तरफ से 50 रुपए भैया देकर सम्मान कर रहे।